जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज फाइनली मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ AMC के ऊपर, आर्मी मेडिकल कोर। सर फिजिकल टेस्ट हमारा किस प्रकार से होने वाला है? सर ये जॉब है जो 4 साल की तो नहीं है या फिर परमानेंट जॉब है ये आपकी? आपका दोस्तों फिजिकल टेस्ट कहाँ और कब और कैसे होगा आपको प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाऊँगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती होना चाहते हो आपको वीडियो को पूरा देखना है। मैं भाई आपसे अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइड आपको कैसे करना है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये दोस्तों आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप गाइज अपने ऑनलाइन नोटिफिकेशन को इस साइट के ऊपर आके चेक कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो JCO और लोग अप्लाई लोग नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको कोलकाता। यहाँ पे भाई अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप जहाँ से बिलोंग करते हो आपको अपने स्टेट्स का जो भी नोटिफिकेशन है उसको ओपन करके अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी कि आपकी जो रैली है कहाँ पे होगी, किस कहाँ भर्ती आपकी होने वाली है, आपकी हाइट चेस्ट वेट क्या मांगा है, आप सब कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको आराम से थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप हरियाणा पंजाब से बिलोंग करते हो, दिल्ली से हो, तो जो आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर चाहिए, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। और जो आपकी चेस्ट है 77 से 82 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका यहाँ पे ज़रूरी है। और दोस्तों जो आपकी रेस है वो 5 मिनट 45 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। आपकी जो रेस है 1600 मीटर आपकी रेस होने वाली है, ठीक है। तो गाइस चलते हैं हम एक दूसरी साइट के ऊपर। मैं दोस्तों आपको एक आसान तरीके में बता देता हूँ, मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं डालूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट रैली 2022। हम बात करें गाइज ये फॉर्म ऑनलाइन के बारे में, 1/10/2022 से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सिर्फ पहली बात ये है कि 1 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन, ठीक है। आप इस फॉर्म को अभी भी भर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, 31 अक्टूबर से पहले अपने फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर लें, ठीक है। और बात करें हम यहाँ पे एग्ज़ाम डेट के बारे में, रैली वाइज आपकी एग्ज़ाम डेट निकलेगी। अब ये नहीं है कि आप सबका पेपर एक साथ होगा, ऐसा यहाँ पे इन्होंने खास मेंशन कर दिया है कि पेपर आपका अलग अलग होगा। तो अपनी तैयारी को भाई अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से स्टडी करें और जॉब को हासिल करें, आर्मी में भर्ती हो जाएँ। और दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर आपके गाइज, यहाँ पे देखिए रैली वाइज कवर्ड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ऑल डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों जो भर्ती है आपकी यूपी एंड उत्तराखंड ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए मान्य है, आप सब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ चंडीगढ़, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, जो भी मेरे भाई बंधु बिलोंग करते हैं गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ चंडीगढ़, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है, आप सब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बिहार झारखंड वाले फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले फिलअप कर सकते हैं, राजस्थान के जितने भी बंदे हैं, राजस्थान के ओल्ड डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हरियाणा से भी आप सब अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कर्नाटका, केरला वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देख रहे हैं, स्टेट्स यहाँ पे आई हुई हैं आपकी, आप सब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, लुधियाना, मोगा, रूपनगर, ये सब जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके सामने, आप सब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा वाले फिलअप कर सकते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, यूटी ऑफ दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली, आप सब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और असम वाले भी फिलअप कर सकते हैं। तो गाइज हम आपको किसी भी एक स्टेट का नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो हम ओपन कर लेते हैं राजस्थान वालों के लिए एक बार। यहाँ पे आप दोस्तों जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप अपने स्टेट के अनुसार अपना यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन करके अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट रैली नोटिफिकेशन फॉर सोल्जर टेक्निकल एंड हेडक्वार्टर्स रिक्वायरमेंट जोन जयपुर राजस्थान। जो आपका फिजिकल टेस्ट है दोस्तों वो जयपुर में होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ इसके रिगार्डिंग, तो ऑल कैंडिडेट टू लॉग इन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट रजिस्ट्रेशन विल बी ओपनड। आपके जो दोस्तों आपके रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुके हैं राजस्थान वालों के। 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आप अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में आप जहाँ से बिलोंग करते हो, कहीं से भी हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और राजस्थान वाले नहीं, मैंने जो आपको बताइए स्टेट्स वाइज जो आपको मैंने बोला है, ऑल ओवर इंडिया में आप कहाँ पर भी हो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसमें राजस्थान के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने राजस्थान वाला नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है।
तो गाइज देखिए यहाँ पे हम बात करें एज के बारे में, 17.5 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, +2 पास आप होने चाहिए, साथ में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना ज़रूरी है, और इंग्लिश में आपके 50% नंबर चाहिए, और बाकी सब्जेक्ट में आपके 40% नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो +2 पास प्लस में साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बोटनी जूलॉजी आपके पास होनी चाहिए, और साथ में इंग्लिश में आपके पास 50% नंबर ज़रूरी है, बाकी सब्जेक्ट्स में 40 नंबर आपके अनिवार्य हैं, ज़रूरी हैं, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सोल्जर टेक्निकल की पोस्ट आपके यहाँ पर रहेगी दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ मेरी बात समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे पूछिएगा सर हमें बता दीजिए। और जो गाइस यहाँ पे देखिए ट्रिबल ऑफ अथॉरिटी ट्रिबल एरिया जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, जो आपकी हाइट है 162 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट आपकी 77 है, 77 से 82 मांगते हैं, आपको पता भी होगा। रेस आपकी गाइस यहाँ पे 1600 मीटर रेस रहने वाले, जो टाइम मिलेगा आपको इसमें वो टाइम है 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर रेस क्लियर करनी है। अगर दोस्तों हम बात करें पुशअप के बारे में, पुल यूपीएस, क्योंकि आप दोस्तों देखिए यहाँ पे वो बोलते हैं बीम जिसको हम बोलते हैं पुल यूपीएस, ठीक है, जो भाई आप जो जिसको हम बीम बोल देते हैं, 10 बीम जो लगाएगा 40 नंबर मिलेंगे, 9 लगाएगा 33 नंबर मिलेंगे, 8 लगाएगा 27 मिलेंगे, 7 लगाएगा 21 मार्क्स मिलेंगे, 6 लगाएगा 16 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आप 6 से नीचे बीम लगाते हो तो आपको इस भर्ती से डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा, सीधी सी बात है। 9 फीट का भाई आपका यहाँ पे कूद होने वाला है, जिंग जिंग बैलेंस, जैसे कि हम अपना बैलेंस रोकते हैं उस पर आपको एक भाई क्या कहते हैं लोहे का एक मतलब एक थोड़ा पाइप होता है, पाइप के ऊपर आपको चलना होता है, तो वो ही ये सब बता रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। और फिजिकल मेजरमेंट आर रियल साइट्स फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरिड आउट है पर फिजिकल स्टैंडर्ड, तो फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट ही आपका ये अहम भूमिका निभाता है, एज पर द लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ द रेली साइट्स, तो जो आपकी जो साइट्स हैं यहाँ पे अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग स्टेट्स की दी गई हैं, तो आप आराम से चेक कर सकते हो अपने अपने रिगार्डिंग, तो जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप वो अपनी साइट पर जाके आप आराम से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे यहाँ पे, साफ साफ मेंशन किया है इन्होंने आपको। देखिए दोस्तों पहली बात यह है कि ये जो आपकी जॉब है ये परमानेंट जॉब है आपकी, ये जॉब 4 साल के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि भाई फिजिकल में आपका टाइम मांग रखा है इन्होंने, 5:45 का टाइम बोला है आपको, लेकिन आपको इतना टाइम यहाँ पे नहीं मिलेगा, 5:30 तक आपको टाइम मिलेगा, तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करके जाइएगा, 5:25, 5:20 तक अपनी तैयारी को रखें, तभी आप वहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको हड़बड़ी पक्का होगी फिजिकल टेस्ट में, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो भाई फिजिकल है आपका गाइज आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे जो आपके हेडक्वार्टर जो भी आपके हैं, आप अपने नोटिफिकेशन को ओपन करके अलग अलग का फिजिकल चेक कर सकते हो कि फिजिकल सर हमारा कहाँ पे होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कुछ आपका डाउट बचे आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ये भाई चैनल आपका है, आपको सपोर्ट करना, कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।